अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका वो सलमान फैसल और मेरे साथ हैं एहसन नूनी खान। इस वक्त मौजूद हैं उस ट्रैक पर जो कि मॉडल कॉलोनी से माटापान हाल्ट तक जाता है और हम यहां पर सर्वे करने आए थे कि इस ट्रैक पर कहां तक काम हो चुका है। तो एहसन नूनी खान यहां के रिहायशी हैं, ये आपको बताएंगे इस बारे में कि कहाँ तक काम हो चुका है और क्या काम हो रहा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी के ट्रैक पे खड़ा हूँ। ये मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे फाड़ा के यहाँ से इस वक्त मोटरसाइकिल और कार रास्ता गुजर रहा है ये मलिर टंकी की तरफ, जिसे RCT की तरफ भी कहते हैं, वो रास्ता है। और यहाँ से और इस तरफ जहाँ मैं आपको लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से इस वक्त बकरियों का रेवर गुजर रहा है, ये सीधा रास्ता माटापान की तरफ जाता है। यहाँ तक ट्रैक जो है वो क्लियर कर दिया है KCR के लिए। अब वहाँ से आगे आगे टर्निंग आती है, वो माटापान की तरफ रास्ता निकल जाता है। नोनी साहब, हमें ये बताइए कि यहाँ पर अभी काम जारी हो सारी है या काम रुक गया है? नहीं सलमान भाई, ये अभी इस वक्त काम जारी है। आगे माटापान की तरफ जो है वो काम इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तो कम्प्लीट कर चुके हैं, बाकी कुछ फाटक है वहाँ पर वो थोड़ा सा काम बाकी, उसके बाद आम तौर पर ज़्यादा है ट्रैफिक का, जिसके से उन्होंने काम को छेड़ा नहीं है कि वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ से आगे तक ट्रैक माटापान तक का इन्होंने यहाँ तक किया कर, जो माटापान है वो उस ट्रैक पर जाके वो इसको काम, जहाँ से रोड गुजर रहा है वहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया ट्रैफिक की वजह से, ताकि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, उसके अलावा बाकी ये काम कर चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक का रश इतना है कि हर आदमी वहाँ परेशान होगा, क्योंकि लोग यहाँ से भी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब थोड़ी मजबूरी हो गई है यहाँ से गाड़ी को मोटरसाइकिल को उतरना चढ़ना। वो देखें यहाँ पर मोटरसाइकिल है, वो देखें कितना शॉर्टकट लोग रास्ता इस्तेमाल करते थे, आसानी से चले जाते, अब उनके लिए मुश्किल हो गया। वो देखें इस वक्त गाड़ी मोटरसाइकिल वाला फंस चुका है और बड़ी मुश्किल से वो उस वक्त पार करेगा, क्योंकि ये यहाँ से काफी क्लियर कर दिया ट्रैक। लोनी साहब, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ट्रेन तो नहीं चल रही है, अलबत्ता यहाँ पर बकरी और भेड़ों का रेवर चल रहा है। बहुत जबरदस्त इस वक्त व्यू दिख रहा है। ये देखें, ये एक लोकोमोटिव लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का लोकोमोटिव। अपने घर की तरफ रवाना है ये जाने के लिए। सलमान भाई, इस वक्त ये देखे छोटी छोटी बकरी और थोड़ी छोटा बकरा और भेड़ गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा मंजर लग रहा है। बीबर यहाँ पर बकरी है, बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है और उसके साथ एक ऊंट भी है। एक ऊंट भी है जो कि दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहे हैं सामने में ऊंट नजर आ रहे हैं। लेकिन सलमान भाई, ऊंट के लिए बहुत मस्त है, ये देखे कितने प्यारे प्यारे अपने घर की तरफ रवा दवा है और जो कितनी खैर कदमी कर रहे हैं इस वक्त। व्यूअर्स, ये आप ट्रैक देख सकते हैं कि इस पर काम हो चुका है। हम आपको कुछ अरसे पहले यहाँ पर लेकर आते तो यहाँ पर कचरे के अलावा कुछ भी नहीं था और कचरा साफ हो चुका है ट्रैक पर से। ट्रैक की बहाली का काम हो चुका है, अब यहाँ पर बैलेंस डलना बाकी है। ये आप सामने देखिए एक चरवाहा, ये चरवाहा अपनी भेड़ बकरी दुम्बों को लेकर जा रहा है और ऊँट को ही छोड़ दिया उन्होंने। ये रहे हमारे ऊँट। ये वाला व्यूअर्स, आप इसको ये समझिए कि ये अरसे बाद यहाँ पर काम हुआ है। लोगों का खुशी का आलम यहाँ पर ये है कि जो गंदगी थी वो सबसे पहले यहाँ से ख़त्म हुई है। रिहायशी जो लोग हैं वो खुश सुकून में आए, तो यहाँ पर गंदगी सबसे पहले साफ हो गई थी। ये देखिए आगे जाके ये रास्ता टर्न हो जाएगा। इससे अगला स्टेशन माटापान है और माटापान से अगला स्टेशन मलिर कैंट है, जो कि इस ट्रैक का आखिरी स्टेशन है। और जब KCR दोबारा यहाँ चलना शुरू होगी तो मलिर कैंट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। तो बस जो जो काम आगे चलता जाएगा हम आपको आगे का सर्वे भी कराते जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक काम हो चुका है और ये हमने आपको काम दिखा दिया है। ये रेलवे ट्रैक को ये देखकर मत समझिएगा कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, ये काम हो चुका है। ये रेलवे ट्रैक जो बिल्कुल मट्टी और कचरे में दबा हुआ था, इस ट्रैक को बाहर निकाल दिया गया है। इस पर बैलेंस डलना अभी बाकी, बैलेंस जब डल जाएगा तो आपको ये ट्रैक बिल्कुल नया नजर आएगा। जी सलमान भाई, कुछ बताएं यहाँ पर हमारे व्यूवर्स को, इस वक्त यहाँ क्या पोजीशन हो चुकी है ट्रैक की? व्यूवर्स, ट्रैक तो आपने देख ही लिया है कि ट्रैक पर काम हो चुका है। अब आपको एक नई अपडेट से भी आगाह करता चलूं कि इस ट्रैक के दोनों अतराफ में फेंसिंग की जाएगी, यानी दोनों तरफ बाड़ लगा दी जाएगी, ग्रिल लगा दी जाएगी,
ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। मतलब सलमान भाई, आप वो कह रहे हैं जो औरंगी स्टेशन पे फेंसिंग हो रही है, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, वो यहाँ बिल्कुल किया जाएगा? जी हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो फेंसिंग औरंगी स्टेशन के नजदीक हो रही है वो फेंसिंग यहाँ पर भी होगी। अच्छा, ये तो बहुत और अच्छा, ये वक्त की जरूरत भी है और यहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। फिर ये लोग, ये इससे हादसात में बहुत कमी आ जाएगी, हादसात ना होने के बराबर रह जाएगी, ना होने के बराबर हो। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो हमने प्रोग्राम ये बनाया है कि अब यहाँ से मलीर हाल तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि काम कहाँ तक हो चुका है और काम की अपडेट्स क्या है। ये आप देख सकते हैं मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन, और ये इसका एक ट्रैक बन चुका है। दूसरा ट्रैक जो कि एक्चुअली लूप लाइन थी, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये है मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन और ये इलाका मॉडल कॉलोनी फाटक के नाम से मशहूर है। यही तो रंग है जिंदगी का, रेलवे की बहाली, कौम की खुशहाली। तो आप सामने देख सकते हैं कि एस एन नोनी खान चले आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं मलीर हाल्ट की तरफ इस ट्रैक के साथ सफर करते हुए। व्यूअर्स, हमें यहाँ पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ी देर हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमारे एहसन नोनी भाई के ब्रदर इन लॉ, जिनका जिक्र मैं पहले भी कई ब्लॉग्स में कर चुका हूँ, हामिद, वो इनके पास तशरीफ ले आए थे और नोनी खान उनसे बातों में मशगूल हो गए, हामिद से। जी एहसन साहब, हामिद से आपकी क्या क्या बातें होंगी? बस वो यही बात हो रही थी इसी सिलसिले में कि वो आप ये केसीआर के साथ जो इस वक्त चल रहा है केसीआर का मॉडल में, क्या यहाँ पर आप अपने ये आपके एसी के हवाले से इस पर कोई राइटिंग का कोई काम होगा ट्रैक के ऊपर स्टेशन पे, तो उधर हाँ इसका काम भी इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए तो ये उसके बाद फिर वो काम करा जाएगा। जी, जो इमरान खान यहाँ पे अनाउंस करके गए हैं इलेक्ट्रीफाइड मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट, तो उसके तहत ये जितनी भी ट्रेनें हैं ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी, यानी केसीआर ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी और उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे इलेक्ट्रिक का होगा, जिसके एक इम्प्लॉई हामिद भी हैं। क्या कहते हैं एसएन इस बारे में आप? जी सलमान भाई, बिल्कुल हमारे के इसके लिए भरपूर साथ देगी गवर्नमेंट का और उसके साथ जो उनसे हो सकता है वो अपने खिदमत अंजाम देंगे। जी व्यूअर्स, हम आपको इस ट्रैक का सर्वे करा रहे हैं। ये देखिए बकरियां, ये है ट्रैक जो मलीर हाल्ट को जा रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये ट्रैक पिपरी से स्टार्ट होता है और मलीर हाट तक तो ये एक ही ट्रैक रहता है। मलीर हाट से ये ट्रैक मॉडल कॉलोनी, माटापान, मैरान हाट और मलीर कैंट तक जाता है, जबकि दूसरा ट्रैक कराची सिटी स्टेशन तक जाता है। कराची सिटी स्टेशन पर ये दो ट्रैक हो जाते हैं, एक ट्रैक किमाड़ी रेलवे स्टेशन पर जाकर ख़त्म हो जाता है, दूसरा ट्रैक केपीटी को मुड़ जाता है। केपीटी वजीर मेंशन, लियारी, बल्दिया, शाह लतीफ, मंगोपीर साइड से होता हुआ औरंगी तक जाता है, जहां पर फिलहाल केसीआर ट्रेन चल रही है, जबकि औरंगी से आगे का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। औरंगी से आगे के स्टेशन जो है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। उसमें पहला स्टेशन आता है नॉर्थ नाजाबाद, उसके बाद आता है लियाकताबाद, गिलानी, उर्दू कॉलेज, डिपो हिल। डिपो हिल से आगे ये ट्रैक फिर दो ट्रैक में कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्रैक डिक रोड को जाता है जबकि दूसरा ट्रैक डिक कॉलोनी जंक्शन को जाता है। तो ये थी केसीआर ट्रैक के हवाले से मुकम्मल मालूमात। हमें हम लोग मुइनाबाद के ट्रैक फाटक से गुजर रहे हैं। ये मुइनाबाद का फाटक है और बहुत यहाँ पर रश रहता है, रात के 2 बजे तक ऐसा रहता है जैसे दिन निकला हुआ है। रात के 2 बजे ऐसा लगता है जैसे दिन के दो बजे हों, और ट्रैफिक की आमदोरफ्त यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी एक फाटक लगना बहुत ज़रूरी है। अभी तो सब चीज़ें यहाँ पर फाटक कोई इंतज़ाम नहीं है, जब ट्रेन
चलेगी तो यहाँ फेंसिंग का जी काम बिल्कुल, जब यहाँ पर ट्रेन चलेगी तो यहाँ पर फाटक लगना जरूरी होगा और फेंसिंग का भी काम यहाँ पर होना भी जरूरी है जी। फेंसिंग के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फेंसिंग का काम मलीर हाट से लेकर मलीर कैंट तक होगा बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा और काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पहले औरंगी स्टेशन की फेंसिंग का काम कम्प्लीट होगा, उसके बाद यहाँ शुरू होगा। व्यूअर्स, आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो जो कि मैंने औरंगी स्टेशन पर फेंसिंग के हवाले से किया था, तो उस पर एक साइड पर फेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी साइड पर अभी 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर फेंसिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। जो ही यहाँ पर फेंसिंग का काम कंप्लीट होगा सर्कुलर ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल, और जब वो ट्रेन चलेगी तो इंशाल्लाह हम आपको उसमें सफर करके बताएंगे। और ये ट्रेन आपके लिए चल रही है, आम पब्लिक के लिए चल रही है, और हम सब ने मिलकर इसको कामयाब बनाना है। KCR जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये आपको खाना बदोशों की झोपड़ियां नजर आ रही हैं, जो कि ट्रैक के साथ बनी हुई हैं। ये हट जाएंगी जब KCR स्टार्ट, जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ से हटा दी जाएंगी। एहसन साहब किसी व्लॉग में आप हामिद को भी लेकर आइए, हमारी व्यूवर्स भी जो है वो हामिद को भी देखना चाह रहे हैं, इसलिए आप किसी व्लॉग में हामिद को जरूर लेकर आइएगा। बिल्कुल सलमान भाई, इंशाल्लाह उनसे उनको बोलना पड़ेगा हामिद को कि आप हमारे व्लॉग में चलिए और अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और बताइए नई खबरें KC की तरफ से कि वो KC क्या इकदाम करेगी इस ट्रैकों के ऊपर अपनी लाइटों का जाल बिछा के। व्यूवर्स देखें, आपको ये ऊँट नजर आ रहे हैं एहसन साहब? जी सलमान भाई, ऊंट नजर आ रहे हैं, जिसमें ऊँट चल रहे हैं इधर मलीर हाल के ट्रैक के ऊपर। अब हम मलीर हाल के नजदीक पहुंच चुके हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। तो हमने ये आज का सर्वे कंप्लीट कर लिया है, हम आपको इस वक्त माटा पान से मलीर हाल तक लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक, वीवर्स माटापान मॉडल कॉलोनी मलीर हाल्ट रेलवे ट्रैक की सैर के बाद हम एहसन नूनी खान की पुरजोर फरमाइश पर फिश से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंचे छोटा गेट, एक मशहूर फिश पॉइंट पर। इस वक्त जो है हम लोग मछली पॉइंट पे पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो कि छोटा इस गेट के ऊपर वाकई है ये शॉप, बड़ी गर्मा गर्म मछली इस वक्त ये बना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि अभी अभी हमने ऑर्डर किया है। और हमारे सामने इस वक्त ये देखिए बेहतरीन अंदाज में ये मछली तल रहे हैं, और आइए, और सलमान भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मछली जल्द से जल्द पक कर आ जाए और वो इसको मज़े मज़े खाएँ। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें सलमान भाई भी बैठे हैं बिल्कुल, ये देखिए सलमान भाई आप मछली का इंतजार कर रहे हैं जी, आप लेकर आए यहाँ पर हमें छोटा गेट पर मशहूर मछली खिलाने। अच्छा। सलमान भाई यहाँ की मछली बहुत अच्छी होती है, खा के देखते हैं। बिल्कुल भाई भी हमारे साथ मछली खा रहे हैं बैठ के। मछली कैसी है भाई, मछली कैसी है, अच्छी है? आवाज इनको शायद समझ में नहीं आ रही, अच्छी है, कम सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ये पूछे अच्छी है। हाँ अच्छी है मछली, हाँ अच्छी है कह रहे भाई, ये बेहतरीन। तो व्यूअर्स आपने देखा इन्होंने मछली की तारीफ करते हुए यहाँ पर एक और कस्टमर मछली के वाले के बैठे हुए जो उन्होंने भी तारीफ करी, और हमारे सामने भी इनको मछली आ गई। एहसन भाई हमारे लिए बचा दीजिएगा, आपके लिए जरूर इंशाल्लाह बचेगी भाई, मजा भी आ जाएंगे मछली को स्टार्ट करते हैं खाना। चले तो व्यूअर्स, आपने जैसे देखा यहाँ की सूरत हाल उस रेलवे ट्रैक की जो मॉडल कॉलोनी से माटापान को जाता है, इंशाल्लाह जल्दी नए अपडेट के साथ हाजिर खिदमत होंगे।
अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद कीजिएगा। और सलमान भाई, हम हमेशा व्यूवर्स से ये उम्मीद करते हैं जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे ही अपना काम आप लोग जारी सारी रखिए और हम भी यही काम जारी सारी रखेंगे आपके साथ मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद।